हाँ जी, कौन? तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ? अरे तूने कहाँ फोन लगा दिया? तू मुझे जानती तो है ना, मैं कौन बोल रहा हूँ? तू तो सच में मुझे जानती है यार, तेरी आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, कहीं तू ट्यूशन वाली पायल तो नहीं बोल रही है? अच्छा तो और बता, तूने आज मुझे कैसे याद कर लिया? वही तो पूछ रहा हूँ, आज तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि तूने मुझे कॉल किया? अरे भूख प्यास नहीं लग रही है तो इसमें मैं क्या करूँ, किसी डॉक्टर के पास कॉल करो, मुझे कॉल क्यों की? तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया, वैसे तू क्यों हो रही है इतना बेकरार? दीवानों की जैसी करते हो शरारत। नहीं यार, वो तू ट्यूशन में सारे सवालों के तुरंत जवाब दे देती है ना, इसलिए तुम्हें घूर घूर कर देखता रहता हूँ बस। तेरी आँखों में मुझे प्यार नजर आता है। अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? प्लीज राजा जी हाँ कह दो। अरे हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तू भी मुझसे प्यार करती है? हाँ, प्यार किया है। देख तू सच में मुझसे प्यार करती है ना, कि कहीं मेरी धुलाई करवाने के लिए कॉल की है? सच कहती है, प्यार हो गया। तो यार तूने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ? अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा बाप कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्या? जालिम है, सितमगर है, वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो मुझको तेरी दुल्हन। तो ठीक है, कल मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर तुमसे मिलने, और उसे बता भी देंगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर क्या करेगा? ले जाएगा कमरे में, हमें बंद करेगा, मिलना वो तेरा मेरा ना पसंद करेगा। चल कोई नहीं, एक काम करते हैं, तू भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ट्यूशन से लौटते वक्त हम दोनों मिल लेंगे और तू मुझे एक किस भी दे देना। ओ साजन, अभी हुई हूँ राजी, पहले शादी हो जाए। हाँ तो ठीक है, शादी भी कर लेंगे, रास्ते में मंदिर है ना, वहाँ अपनी उंगलियाँ काटूंगा और अपने खून से तुम्हारी मांग सजा दूंगा। आता है तुम्हें तो यूं बातें बनाना। अरे मैं बातें नहीं बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, मेरी जान, मेरी मजबूरी समझ दूँ। लेकिन अब क्या मजबूरी है तुम्हारी? निभानी रस्में होंगी तो पूरी रस्में होंगी। तो तू ही बता अब मैं क्या करूँ? डोली लेकर राजा। लेकिन वो तुम्हारा जालिम बाप नहीं मानेगा। सबको मना लूंगी, सब रूठ गए तो क्या? और अगर तुम्हारे मनाने से भी नहीं माना तो फिर क्या करूँगा मैं? बजा दे बैंड बाजा। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते, तुमसे शादी करने के बाद वो भी तो मेरे पापा जी ही लगेंगे ना, उन्हें दो घुट पौवा पिलाऊंगा और तुम्हें साइकिल पर बिठाकर अपने घर ले आऊंगा, बोलो ये कैसा आइडिया है? अब तू देर ना कर।